क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? जी हाँ दोस्तों, चेन्नई के फैंस कल मैच शुरू होने से पहले बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिधर देखो चेन्नई चेन्नई चेन्नई, धोनी धोनी धोनी, माही माही माही, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेज था। सभी लोग बोले थे चेन्नई ही जीतेगा, लेकिन चेन्नई के सपनों पर, चेन्नई के ऑडियंस के सपनों पर गुजरात टाइटंस ने पानी फेर दिया भैया, बहुत ही बुरा हुआ। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ऐसा कैसा चलेगा रे भाई चेन्नई वालों, ऐसा कैसा चलेगा? 3 बार लगातार आप गुजरात से मैच हार चुके हो। गजब बेइज्जती है। कुछ तो करो माही भैया, कुछ तो करो। अरे माही भैया क्या करेंगे, माही भैया अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जो और जो टीम में खिलाड़ी हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हालांकि कल ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, 92 रन बनाए 50 बोलों पर भैया, लेकिन उनके सामने कोई और भी तो आता जो चौके छक्के लगा सकता था, लेकिन भैया सब आए 2-4-10 बोलें खेली, थोड़े बहुत रन मारे और चले गए ड्रेसिंग रूम में। मुझे लगता है जो चेन्नई के और भी खिलाड़ी थे कहीं जाना रहा होगा, इसीलिए सब आ रहे थे जा रहे थे। या तो इन्होंने ये सोचा होगा कि चलो भैया अपना गायकवाड़ तो है, ये तो मार ही देगा, 100-150 रन तो मारेगा, ये टीम पहुंच जाएगी 200 का आंकड़ा, छू जाएगी या 200 भी पार कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सपने टूट गए चेन्नई के। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। माही भैया ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश करी, इन्होंने भी बहुत आते ही साथ 2-4 शॉट लगाए, तो इन्होंने भी अपनी टीम को सोचा कि 200 तक पहुंचा ही दूं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगली बार भाई आप लोग ट्राई करना। तो चेन्नई वाले माही भैया कह रहे हैं कि भैया हम अगली बार फिर से आएंगे, फिर से उसी जोश में आएंगे, और इस बार कोई भी टीम हमारे सामने होगी उसको पक्का हराएंगे। चलो भैया तुम ये कह रहे हो तो बहुत अच्छा है, हम मान भी लेते हैं, चलो अगली बार आप आओगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करोगे, लेकिन देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। माही भैया कल के मैच से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, हो सकता है कल इनको नींद भी ना आई हो। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। माही भैया नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और आप इस बार थोड़ी और प्रैक्टिस करके आना और अच्छे से अगला मैच खेलना, और आप अच्छे से मैच खेलेंगे तो हो सकता है कि इस बार आप ये मैच जीत जाएं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम फुल फॉर्म में है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस। इन्होंने बोला भैया 2022 का तो IPL हम ही जीते थे, 2023 का भी हम ही जीतेंगे, कोई भी हमारे सामने आ जाए वो टिक नहीं पाएगा, सबके हम छक्के छुड़ा देंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि चेन्नई की स्टार्टिंग की पारी देखते हुए गुजरात वाले थोड़ा सा घबरा जरूर गए थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने अपना दिमाग लगाया और बुलाया अपने बहुत ही माहिर खिलाड़ी को, किसको? राशिद खान को। राशिद खान आए भैया, बोले ये तो मेरा चुटकियों का काम है, अभी देखो अभी सब ठीक करके देता हूँ। भाई ने बोला करने का तो करने का, और जैसे ही राशिद खान आए उन्होंने बस पहले ओवर में ही मोइन अली को चिटका दिया, उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर से एक विकेट लिया, मतलब चेन्नई की टीम फिर से बिखरना शुरू हो गई। राशिद खान बोले थे ये सब तो मेरे चुटकियों का कमाल है, तो उन्होंने करके दिखा भी दिया। हार्दिक भैया राशिद को ना थोड़ी अलग से पार्टी वार्टी भी दे देना, क्योंकि इन्होंने कल के मैच में आपके लिए बहुत ही अच्छा काम भी किया, आपको मतलब विकेट निकाल के भी दिए और लास्ट में चौके छक्के भी मार के जीता है, तो भैया तारीफ करनी पड़ेगी राशिद खान की, बहुत ही अच्छा कल के मैच में खेले। लेकिन हार्दिक भैया आपने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेला कल के मैच में, चौके छक्के भी आपने दिए और वहीं 8-9 रन पे आप आउट भी हो गए, कप्तान हो भैया थोड़ा अच्छा खेलो यार। वही सुमन गिल और रिद्धिमान सा आए पिच पे, उन्होंने देखा 178 रन, ये क्या भैया बच्चों वाला है क्या, तुम्हें पता नहीं हम हाई स्कोर चेस करते हैं, 178 रन आपने दे दिए। उन्होंने धुआंधार पारी खेली, आधा मैच तो मुझे लग रहा 10 ओवर में ही खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था कि चेन्नई हार ही गई, लेकिन एक टाइम को लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं चेन्नई की थोड़ी सी उम्मीद हो, थोड़ा सा एफर्ट और लगा दें और ये जीत जाए, लेकिन विजय शंकर भी थे, उन्होंने भी अच्छे शॉट लगाए और मैच बिल्कुल ही समझो खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में भैया ऐसा लगा कि अब मैच फंस गया, लेकिन अपने राशिद खान बोले अरे ये सब कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें देखा नहीं है मेरा मैच, मैंने कितने अच्छे अच्छे मैच फंसे हुए मैच जिताए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, वो आए 2-3 बाउंड्री लगाई और मैच अपने नाम पर कर लिया, गुजरात टाइटंस ने कल का मैच अपने नाम पर कर लिया। कोई बात नहीं गुजरात वालों, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, आपके लिए ताली तो बनती है, सभी लोग ताली बजाओ भाई। लेकिन अगली बार अगर आप चेन्नई से टकराते हो तो थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि जख्मी शेर बहुत ही खतरनाक होता है। कोई बात नहीं, गुजरात का कॉन्फिडेंस तो अभी बहुत हाई है, तो गुजरात वाले बोल रहे हैं आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, तो कोई बात नहीं, खेल में ये सब तो होता रहता है, हार जीत तो लगी ही रहती है। अच्छा बार बार हमें हराओगे, चेन्नई वाले तो यही बोल रहे ना, बार बार हमें हराओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, चीटिंग करता है साला।
हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन अगली बार तो मैं ही जीतूंगा, ये चेन्नई वाले बोल रहे हैं। चेन्नई के फैंस उदास जरूर हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी इनका लो नहीं हुआ है, और गुजरात वाले भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। तो दोस्तों अगला मुकाबला भी इनका बहुत ही जबरदस्त होगा। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आईपीएल से रिलेटेड सभी वीडियोस हमारी मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।